हेलो बच्चों, यू आर लिसनिंग टू महावीर सिंह फ्रॉम फिजिक्स ओपन हाउस। वी आर डीलिंग विद द टॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइप और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस बैक्टीरिया प्रोटोजोआ फंगस एंड एल्गी। ऑल्सो वी हैव डिस्कस सम यूजेस एंड सम हार्मफुल इफेक्ट ऑन द डिजीजेस इन द ह्यूमन बींग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स बर्ड्स इज ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर डिफरेंट डिजीजेज डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस टूडे द यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूज क्या है, हमारे लिए जीवन में किस तरह उपयोगी है, आज का टॉपिक यहाँ पर हम शुरू करेंगे। और दी टॉपिक मीन सब टॉपिक इज नंबर वन मेकिंग ऑफ कर्ड एंड नंबर टू मेकिंग ऑफ ब्रेड। वी विल डिस्कस हियर हाउ द कर्ड फ्रॉम मिल्क इज मेड, व्हिच टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज यूज एंड सिमिलरली how bread is manufactured on the large scale and which type of microorganism is used. So let us discuss milk into curd. How the milk is converted into curd, एक ही टॉपिक में कई सब टॉपिक भी बन जाते हैं। मिल्क से कर्ड बनाना ये केमिकल चेंज में कोई नई चीज बनती है और फिजिकल चेंज में वही चीज रहती है, सिर्फ उसकी शक्ल सूरत बदलती है। तो यहाँ पर ये भी पता लग गया हमको, व्हेन द मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड केमिकल चेंज होता है। हाउ द मिल्क शुड बी नाइदर सो हॉट नॉर सो कोल्ड, न ज्यादा गर्म होना चाहिए न ज्यादा ठंडा होना चाहिए। 40 रूम टेम्परेचर से थोड़ा बहुत बाहर में हो सकता है, उतना टेम्परेचर होना चाहिए। 60 और अबव टेम्परेचर पर या बिलो 30 और 20 बिलो पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करते हैं। इसलिए ये बीच वाला जो टेम्परेचर है जिसे रूम टेम्परेचर कहते हैं, लेकिन वो सीजन के हिसाब से चेंज होता रहता है, इसलिए 30-40 डिग्री के आसपास का जो टेम्परेचर है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीपल सर्वाइव करते हैं, कई गुना हो जाते हैं, इसलिए हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं। तो पहला यूज है मिल्क को घर में कन्वर्ट करने वाला जो बैक्टीरिया है उसको लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। एमसीक्यू में भी ये पूछा जा सकता है, इसलिए एक आपका हो गया केमिकल चेंज, एक हो गया एमसीक्यू में इस बैक्टीरिया का नाम बताओ। नाम है लैक्टो LACTOBACII। और ये बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है मिल्क को कर्ड में, कैसे करता है, मिल्क कंटेन सुगर, सुगर का मतलब लैक्टोज, और लैक्टोज के ऊपर जब लैक्टोबैसिलस रिएक्ट करता है तो लैक्टिक एसिड बनता है, और लैक्टिक एसिड मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड के अंदर। एक और यहाँ पर प्रश्न बन जाएगा कि कौन सा एसिड, तो आपको याद हो जाएगा कि लैक्टिक एसिड कन्वर्ट, लैक्टिक एसिड एक एसिड का नाम याद करिए। एसिड तो बहुत सारे होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, उनसे आपका कोई मतलब नहीं है, स्पेशल काम के लिए स्पेशल ही एसिड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर लैक्टिक एसिड आपको याद हो गया कन्वर्ट मिल्क इन टू कर्ड, और कर जो वो खट्टा होता है सो युवा। सेकेंड वन इज ब्रेड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज यूज इन बेकरीज ऑन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रेड। लार्ज स्केल पर ब्रेड बनाने के लिए जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग किया जाता है उसे ईस्ट कहते हैं, YEAST। ईस्ट इज यूज मेकिंग ब्रेड बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर लार्ज स्केल पर बनाने के लिए। जब ईस्ट को ऐड किया जाता है डफ के अंदर, BOUGH, डफ का मतलब आप गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, वो अलग से वो है प्रोसीजर। और ईस्ट रिप्रोड्यूस
रैपिडली और मल्टीप्लाई होता है कई गुना, और कार्बन रेस्पिरेशन रिएक्शन होता है, रेस्पिरेशन में CO2 रिलीज होती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन डी बबल्स ऑफ CO2 फिल द डफ टू इनक्रीज वॉल्यूम, से उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और वो थोड़ा सा राइज अप कर जाता है। मैंने यहाँ दिखाया इसको थोड़ा उठा हुआ दिखा रखा है, यहाँ पर ये राइज अप कर दिया इसने, तो राइज अप हो जाता है उसमें CO2 के कारण होता है। तो गैस का नाम भी आप याद करेंगे, ये भी MCQ में पूछा सकता है, विच गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज यूज ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है रेस्पिरेशन में, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वही इसके अंदर फिलअप होती है, तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्रेड राइज अप करेगी, वो फूलती हुई दिखाई देगी। इसमें होल्स भी होते हैं ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड गिवन ऑफ, जब बाहर निकल जाती है, और जब बाहर निकल जाती है तो ये लाइट मीन्स हल्की भी हो जाती है, मुलायम भी हो जाती है और स्पॉन्जी भी हो जाती है। ये दोनों आइटम ऐसे हैं जो घर के अंदर जनरली यूज होता है, डेली ब्रेड का यूज होता है, डेली मिल्क का यूज होता है, कर्ड का भी यूज होता है। तो ये आपको मैंने यूज में दो यूज आपको बताए हैं, और भी आप केक्स वगैरह बना सकते हैं, पेस्ट्रीज बना सकते हैं, ये बहुत सारे यूज हैं ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू वेरी मच।